सो ही गाइस, वापस से लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी जिसमें सिर्फ 11 दिनों के अंदर मैनिफेस्ट हुआ। बहुत ही ज़्यादा मिराकुलस, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है ये। और ये स्टोरी है एक लड़की की जिन्होंने अपनी स्किन को हील किया, किस तरीके से उनको गाइडेंस मिलता रहा, यूनिवर्स से हेल्प मिलती रही, और कैसे सिर्फ 11 दिनों में उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मैनिफेस्ट किया अपने डिज़ायर्ड स्किन को। तो चलिए ये छोटी सी इंस्पायरिंग स्टोरी हम सुनते हैं, बिल्कुल सुनना। एंड आपका कोई भी इसमें एरिया हो लाइफ का, इट्स नॉट अबाउट जस्ट हीलिंग योर स्किन, कोई भी इशू हो, कोई भी विश हो, आपको ये चीज़ ज़रूर काम आने वाली है, इसलिए एक बार ये स्टोरी ज़रूर सुनना। एंड चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया गया, एंड इट्स ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और इन्होंने लिखा है, फोर मंथ्स अगो आई स्टार्टेड विद अ सीवियर स्किन इन्फेक्शन कॉल्ड अ फंगल इन्फेक्शन। द इन्फेक्शन अफेक्टेड माई चेस्ट, अंडर आर्म्स, neck and hands. I was feeling very negative about my skin condition. I was crying all the time. It also affected my self-esteem and my confidence. I changed the doctors several times, but the infection was recurring again and again whenever I would stop the medication. Then I came to know about the law of attraction through YouTube channels, and I started using visualization. Then I started with something called a 369 manifestation, but being a student, I could not continue with it. I was inconsistent. Then one day I decided to just ask the universe to guide me about how I could heal my skin condition permanently. I even asked the universe to guide me about the perfect doctor who could cure my skin condition. The very next day, my uncle told me about a dermatologist who is well known in Nasik city. And I visited him and I felt very sure about his treatment. Thanks to him, I was able to bring back my confidence. It has been only 11 days of his treatment and I'm all fine. My treatment is going on, but I'm very, very sure that my skin is going to be all healed. One thing I learned here is you don't need to follow any method. You just work on your belief system and that's all. So thank you so very much to the universe, thank you very much for the secret super app, thank you very much doctor, and thank you very much to God. Thank you very much for all the secret success stories that have really helped me to remain positive and stay motivated. You are all doing a good job, so thank you so much. सो गाइज, आप भी इस चीज़ को समझिए कि देखिए, कोई भी टूल्स या टेक्निक्स फॉलो करना, इट्स नाइस, ये अच्छी बात है जिससे आपका यू नो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, आपकी फेथ बढ़ती है, लेकिन ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज के आपकी सक्सेस के पीछे आपकी एनर्जी, आपकी बिलीफ सिस्टम जो है वो मेन रोल प्ले करती है हमेशा, चाहे कोई भी डिज़ायर कैसे भी बड़ी या छोटी विश हो। तो यू नो, जस्ट वर्क ऑन योर बिलीव्स, जस्ट वर्क ऑन योर वाइब्रेशंस, ठीक है। जितना पॉजिटिव रहोगे, फेथफुल रहोगे, एंड जितना आपका स्ट्रॉन्ग यू नो विश्वास होगा अपने विश के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, उतना ही जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो ये मैसेज बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना, एंड बिल्कुल कॉमेंट करना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और भी सक्सेस स्टोरीज लेके आती रहूँगी, आप अलग अलग स्टोरीज मुझे सजेशन भी करना, एंड आपकी कुछ स्टोरीज भी मुझे शेयर करते रहना, ठीक है। तो बस फिलहाल यही था इस वीडियो में, एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड गुड वाइब्स टू ऑल।